खबर जाने पूरे झारखंड और देश विदेश से। पहला खबर है धनबाद से। NHI ने GT पर चलाया अभियान, चालकों को दी गई ट्रैफिक नियमों की जानकारी। 32वां राष्ट्र सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, इसके छठे दिन NHI टीम ने बरुआ के पास अभियान चलाया। इस दौरान इंसिडेंट इंचार्ज प्रियांशु सिंह ने हाईवे पेट्रोलिंग एम्बुलेंस स्टाफ की मौजूदगी में लोगों को एकत्रित कर सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता किया। इस दौरान लोगों को सड़क पर सुरक्षित चलने के नियम, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फोन, सीट बेल्ट लगाना, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाने के लिए जागरूक किया गया। संथाल परगना में तोड़ देंगे झामुमो का भ्रम, सुदेश महतो बोले। आशु पार्टी ने पहली बार संथाल परगना में देवघर के ऐतिहासिक स्थल बुढ़ई में केंद्रीय महासभा का आयोजन किया। केंद्रीय अध्यक्ष सह पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने दावा किया कि संथाल परगना में झामुमो का भ्रम आशु पार्टी जरूर तोड़ देगी। संथाल परगना के किसी भी कोने में जाइए, सिर्फ एक साल के भीतर लोगों में हेमंत सरकार के प्रति निराश के भाव दिखने लगे हैं। आम लोगों से पूछिए, बता देंगे कि हेमंत सरकार के लोग ही जल जंगल एवं जमीन को लूटने में लगे हैं। ओपन सीक्रेट है। झारखंड में और बढ़ेगी कनकनी, बारिश के भी आसार हैं। तो आइए जानते हैं खबर थोड़ी मौसम विभाग से। एक बार फिर पुरवैया हवा चलाने से ठंड बढ़ गई है। पिछले दो दिनों में राजधानी के न्यूनतम तापमान में 5.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को यहां का न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि बुधवार को यह 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। हैदराबाद रक्सोल साप्ताहिक ट्रेन अब 25 मार्च तक चलेगी, रेलवे बोर्ड ने विस्तार को दी मंजूरी। कोरोना के कारण लॉकडाउन खत्म होने के बाद ट्रेन अब पटरी पर नियमित होने शुरू हो गई है। रांची के रेलवे स्टेशन से शुरू होने वाली या यहां से गुजरने वाली ट्रेनों का लगातार विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में अब हैदराबाद से रक्सोल के बीच चलने वाली हैदराबाद रक्सोल साप्ताहिक ट्रेन अब 25 मार्च तक चलेगी। रेलवे बोर्ड ने इस ट्रेन को अवधि विस्तार दे दिया है। पहले ये ट्रेन 21 जनवरी तक के लिए ही चलाई गई थी। गैंगस्टर सुधीर दुबे के कहने पर क्रेशर संचालक को दी गई थी धमकी, तीन हुए गिरफ्तार। गैंगस्टर सुधीर दुबे के कहने पर इसके गैंग के सदस्य गुरुदयाल सिंह उर्फ राजा दुबे ने क्रेशर संचालक सुखविंदर सिंह को धमकी दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने टेलको आजाद बस्ती निवासी राजा दुबे, परसुडी निवासी संजय कुमार और आजाद बस्ती निवासी शिवा सांतरा को गिरफ्तार कर लिया है। दो आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। शनिवार को SSP डॉक्टर M तमीन वानन ने मामला को खुलासा किया। कोल इंडिया में अब विवाहित बेटी को भी मिलेगी अनुकंपा में नौकरी। कोल इंडिया के अनुसांगी कंपनियों में कर्मचारियों के निधन पर अब अनुकंपा पर विवाहित बेटी को भी नौकरी मिलेगी। अब तक नौकरी के दौरान कोयला कर्मियों की मौत होने पर सिर्फ पत्नी, बेटे और कुंवारी बेटियों को ही आश्रित मानकर नौकरी दी जाती थी। खबर है गढ़वा से। 30 टन चावल ले जा रहा ट्रक पकड़ाया, निजी बोरा में डालकर जिले के बाहर बेचने की थी तैयारी। पुलिस ने शुक्रवार की सुबह अवैध रूप से 30 टन चावल लेकर जा रहे ट्रक को रंका का मोड़ से पकड़ा है। यह चावल जिले के नरमा से छत्तीसगढ़ ले जाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि यह चावल जन वितरण प्रणाली का है। इस सरकारी चावल के बोरे को बदलकर निजी बोरे में डालकर जिले से बाहर बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी की ओर से MO को जांच के लिए थाने में भेजा गया है, लेकिन ट्रक चालक की ओर से ठोस कागजात पुलिस को उपलब्ध नहीं कराया गया। खबर है रांची से। रांची के सभी प्रखंडों में 30 को लगेगा विधिक सेवा कैंप, लाभुकों को मुफ्त मिलेगा कानूनी सलाह। 30 जनवरी के रांची जिले के सभी प्रखंडों में विधिक सेवा सशक्तिकरण कैंप का आयोजन किया जाएगा। जिले विधिक सेवा प्राधिकरण झालसा एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में यह आयोजन होगा। शिविर के दौरान समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं एवं प्रदत्त अधिकारियों व कानूनी पहलुओं की जानकारी दी जाएगी। इसको लेकर शुक्रवार को उपायुक्त छवि रंजन के अध्यक्षता में समाहरणालय ब्लॉक A स्थित उपायुक्त सभागार में बैठक हुई। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं एवं खेलों से।
सर्वे में हुआ खुलासा। पीएम मोदी के बाद लोग किसे देखना चाहते हैं अगला प्रधानमंत्री, योगी आदित्यनाथ या अमित शाह? साल 2020 में केंद्र सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। कोरोना महामारी ने पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिसके चलते देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान उठाना पड़ा। वहीं दूसरी ओर सीमा पर चीन और पाकिस्तान अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देता रहा। ऐसे में इन सभी चुनौती को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कमी आना तय माना जा रहा था। इसी को लेकर इंडिया टुडे कार्वी इनसाइट्स ने एक सर्वे किया। इस सर्वे में मुताबिक देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा पहले की तरह बरकरार है। पीएम मोदी अगले प्रधानमंत्री के तौर पर अभी भी पहली पसंद बने हुए हैं। हालांकि इस सर्वे में कई चौंकाने वाली बात सामने आई। दूसरे स्थान पर यूपी के योगी आदित्यनाथ 10 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है। नकाब हटा तो शूटर ने खोले राज, बताया किसान नेताओं ने टॉर्चर किया फिर हत्या वाली बात करवाई। दिल्ली के सिंधु सीमा पर केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं ने एक नकाबपोश को मीडिया के समक्ष पेश किया था, जिसने दावा किया कि उसे 4 किसान नेताओं के शूट करने के लिए रुपये मिले थे। अब एक नए वीडियो में इसके राज खुल रहे हैं। नए वीडियो में नकाब वाले व्यक्ति ने दावा किया है कि उसे दिल्ली पुलिस को बदनाम करने के लिए किसान नेताओं द्वारा प्रताड़ित किया गया था। देश का मिजाज, राम मंदिर है मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि, ये सबसे बड़ा नाकामी। केंद्र सरकार की सत्ता में मोदी सरकार को काबिज हुए 6 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। इस दौरान सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जो ऐतिहासिक कहे जा सकते हैं। कई मोर्चों पर सरकार बेकफूट पर भी नजर आई और उसे आलोचना का शिकार होना पड़ा। मोदी सरकार की उपलब्धियों पर क्या है देश का मिजाज, ये जानने के लिए इंडिया टुडे और कार्वी इनसाइट्स ने सर्वे किया। सर्वे के नतीजों के मुताबिक मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहा। केंद्र सरकार पर जमकर बरसी महबूबा मुफ्ती, दिया ऐसा बयान मच गई सनसनी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। महबूबा मुफ्ती केंद्र सरकार पर संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाई है। मुफ्ती ने कहा कि भाजपा जम्मू कश्मीर को राजनीतिक प्रयोगशाला की तरह देखती है, वह भाजपा को फिर कभी अपना सहयोगी नहीं बनाएगी, यानी उसके साथ कभी गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने इस बात को भी माना कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भाजपा के बीच गठबंधन करना उनके पिता का विचार था। महबूबा मुफ्ती के मुताबिक भाजपा के साथ जुड़ना मेरे पिता के लिए एक बड़ा कारण था और मैंने इसका सम्मान किया, ये तमाम बातें मुफ्ती ने एक इंटरव्यू में कही। कंगाल पाकिस्तान ने भारत से लड़ने के लिए खर्च किए 33 करोड़ रुपए, मिला कुछ भी नहीं, मचा बवाल। कंगाली की दहलीज पर खड़े पाकिस्तान ने भारत से क्रिकेट के मैदान में मुक्की खाने के बाद अब मुकदमेबाजी में 33 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किया है। इसके बदले में पाकिस्तान को भारत से एक भी रुपया वापस नहीं मिला है। आधिकारिक रिकॉर्ड में खुलासे के बाद पाकिस्तान में सियासी बवाल मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि यह राशि पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ 192 क्रिकेटरों को योग्यता आधारित स्पेंडर के लिए आवंटित किए गए पीसीबी के वार्षिक बजट से 100% अधिक है। राजस्थान की सबसे बड़ी आईटी रेड तहखाने में अरबों की संपत्ति, 17 करोड़ की काली कमाई का भंडाफोड़। आयकर विभाग ने राजस्थान के इतिहास के सबसे बड़े आयकर छापे को अंजाम दिया। आयकर विभाग ने जयपुर में सरप्पा कारोबारी 2 रियल एस्टेट डेवलपर के यहां छापा मारकर 2,500 करोड़ की 2 नंबर की कमाई का पता लगाया। आयकर विभाग को सरफरा व्यापारी के यहाँ एक सुरंग मिली है, जिसमें 700 करोड़ की जायदाद की जानकारी मिली है। लालू यादव की हालत बेहद गंभीर, रात तक एयर एम्बुलेंस से लाया जा सकता है दिल्ली। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत अचानक एक बार फिर बिगड़ गई है। रांची के रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती लालू यादव की तबीयत बेहद गंभीर बताई जा रही है। किडनी काम नहीं कर रही है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। फिलहाल कई तरह की बीमारियों से ग्रसित लालू यादव, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाज के लिए लालू यादव को एयर एम्बुलेंस के दिल्ली से ले जाया जा सकता है। तेजस्वी यादव, तेजप्रताप राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती लालू यादव को देखने रांची रिम्स पहुंच चुकी है। तेजस्वी यादव ने बताया कि उनको लंग्स में भी पानी आ गया है, कहा कि पिता के चेहरे में काफी सूजन आई है। लालू प्रसाद रिम्स में एम्स जा सकते हैं। एक ट्वीट के बाद ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा जोए बिडेन
इज नॉट माय प्रेसिडेंट। जो बाइडेन ने 20 जनवरी को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इसके बाद भारत में अचानक ट्विटर पर जो बाइडेन इज नॉट माय प्रेसिडेंट ट्रेंड करने लगा। यह करामात एक भारतीय यूजर प्रयाग तिवारी ने की। प्रयाग तिवारी ने एक ऐसा ट्वीट किया जो इंटरनेट पर छा गया। यह ट्रेंड नेटिज में को ऐसा भाया कि ट्वीट पर जो बाइडेन नॉट प्रेसिडेंट इस धड़ी लग गई। खालिस्तानियों की बड़ी साजिश, 26 जनवरी को अंधेरे में डूबेगी दिल्ली। किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तान समर्थक ताकतों ने बड़ा प्लान बनाया है जिसमें पूरी दिल्ली को ब्लैकआउट करने की तैयारी है। इसके तहत किसान आंदोलन में शामिल किसानों की तर्ज पर दिल्ली के मुख्य बिजली घरों पर हमला हो सकता है। दिल्ली पुलिस इस खुफिया इनपुट के बाद अलर्ट हो गई है। नेताजी की जयंती कार्यक्रम में ममता बनर्जी हुई नाराज, बोली किसी को बुलाकर अपमान नहीं करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती के लिए शनिवार को कोलकाता के विक्टोरिया हॉल में आयोजित हुआ कार्यक्रम बीजेपी और टीएमसी की कड़वी खटास का गवाह बन गया। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ कार्यक्रम में मौजूद सीएम ममता बनर्जी को मंच पर बुलाए जाने के दौरान बीजेपी समर्थकों ने हूटिंग शुरू कर दी, जिससे ममता बनर्जी पूरी तरह गुस्सा गई। 13 लाख से ज्यादा है सालाना कमाई तो नए टैक्स सिस्टम में आपको होगा फायदा। सालाना 13 लाख रुपए से ज्यादा सैलरी और विभिन्न निवेश उपायों के जरिए 2 लाख रुपए तक की कटौती पाने वाले व्यक्तियों को प्रस्तावित नई टैक्स व्यवस्था अपनाने से टैक्स पेमेंट में फायदा हो सकता है। सरकारी सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। वहीं 12 लाख रुपए से कम वेतन और 2 लाख रुपए तक की कटौती पाने वाले वेतनभोगी तबके के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था की फायदेमंद होगी, उन्हें पुरानी व्यवस्था में कम कर देगा। क्या बंद हो जाएंगे 100 रुपए के पुराने नोट, जानिए आरबीआई का जवाब। आरबीआई के असिस्टेंट जनरल मैनेजर बी महेश के एक बयान ने नोटबंदी की याद दिला दी। बी महेश ने कहा कि रिजर्व बैंक 5, 10 और 100 रुपए के पुराने नोट वापस लेने की योजना पर विचार कर रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मार्च और अप्रैल में इसका ऐलान कर दिया जा सकता है। राशन कार्ड से जुड़ी जरूरी खबर, इस काम को पूरा करने के लिए 30 जनवरी है आखिरी मौका। देश के कई राज्यों में नए राशन कार्ड बनाने का काम इस समय जोर शोर से चल रहा है। नए राशन कार्ड के साथ साथ पुराने राशन कार्ड में भी नाम जोड़ने और हटाने का काम चल रहा है। ऐसे में अगर आपका राशन कार्ड कुछ दिनों से सस्पेंड चल रहा है या किसी कारणवश रद्द हो गया है तो आप अभी भी राशन कार्ड दोबारा से चालू करवा सकते हैं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में यह काम अभी चल रहा है। उत्तराखंड में आप 30 जनवरी तक जिले के आपूर्ति कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह बिहार और उत्तर प्रदेश, झारखंड आपूर्ति कार्यालयों में या ऑनलाइन आवेदन कर यह काम पूरा कर सकते हैं। क्यों सीरम इंस्टीट्यूट को दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन फैक्ट्री कहा जाता है। भारत में कोरोना वायरस से बचाव के लिए 2 वैक्सीनों को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिली है, पहली कोविशील्ड और दूसरी कोवैक्सीन। ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेका के कोविशील्ड टीके का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट को दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। पुणे स्थित सीरम की फैक्ट्री का निर्माण 1966 में हुआ था। खून का जवाब खून, वायुसेना प्रमुख बोले चीन हुआ आक्रमक तो भारत भी देगा तगड़ा जवाब। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख पर जारी तनाव के बीच भारतीय वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने बड़ा ऐलान किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वायुसेना प्रमुख ने कहा कि चीन को भारतीय सेना उसी भाषा में जवाब देगी। अगर सीमा पर चीन आक्रामक होता है तो भारतीय सेना भी आक्रामक रवैया दिखाएगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।